डिफाइनाइट इंटीग्रल बोलते हैं और उसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, वो वाली प्रॉब्लम लेते हैं और थोड़ा सा मैं बताता हूँ थोड़ा अपनी तरीके से। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x² dx। तो अभी ये थोड़ी देर के लिए ये लिमिट्स भूल जाइए, ये सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² है tan इनवर्स x। तो अभी सॉल्व करते हैं लेट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² और ये लिमिट्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अभी tan इनवर्स x है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x² इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये फॉर्मूला है। अभी क्या करना, आ इज इक्वल टू ये सॉल्व करना, -1 और m1 तो है tan इनवर्स x, और ये वाली यहाँ से कट जाएंगी और ये ऐसे इधर लगेंगी लिमिट्स 1 -1। अभी ये सॉल्व करना है, tan इनवर्स x कौन है 1, फिर माइनस tan इनवर्स x कौन है -1 -1 π/4 -π/4। सो π/4 π/π + π/4, सो 2 बार π/4। अभी ये 2 डिवाइड बाय 2 और π/2। अभी ये π/2, सो i इज इक्वल टू π/2। पहले ये सॉल्व करना, ए अपर लिमिट और लोअर लिमिट भूल जाना, तो सिर्फ ये सॉल्व करना 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x और tan इनवर्स x। फिर उसके बाद ये माइनस वाली प्रोसीजर है, ये यहाँ से ये लिमिट माइनस करना, ये वाली प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। अभी और एक प्रॉब्लम लेते हैं सिंपल वाला। पहले क्वेश्चन देखना, लिमिट बाद में लगाना, पहले 0 1, ये दो लिमिट है, ये डिवाइड बाय 4 - x² अभी यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म, 1 डिवाइड बाय a² - x² इज इक्वल 1 1/2 ए लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ये वाला फार्मूला होता है बाद में लिमिट लगाना। पहले सॉल्व करते हैं, एट इज इक्वल टू ए लिमिट जैसे कि वैसे रख देना, पहले ये सॉल्व करना फार्मूला 2² - x² ये हो गया। आई इज इक्वल टू अभी ये पुटअप करना इस फार्मूले में ये वाली टर्म, सो 1/2 ये कौन है यहाँ पे 2 लॉग ये प्लस एक्स, ये कौन है 2 प्लस x, तो x 2 - x ये हो गया। और फिर उसके बाद ये लिमिट लगा देना 1 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट। उसके बाद और सॉल्व करना, 1 डिवाइडेड बाय 4 log, अभी ये लिमिट पुट अप करना 2 + 1 ये अपर लिमिट 2 - 1 -log 2 + 0 ये 0 0 ये वाला, ये 0 0 ये वाला, और ये 0। इसके बाद 1/4 log 3 2 - 1 ये 1, सो 3/1 3 -log 1 ये कट जाएगा 1, और ये 2 - 1 1 सो 3/1 3। अभी इज इक्वल टू 1/4 log ये माइनस है log m n वाला फार्मूला, log m -log n इज इक्वल टू log m/n, सो log m ये m और ये n, सो log 3/1 इज इक्वल टू 1/4 log 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हेलो, तो अभी एक और प्रॉब्लम लेते हैं, इंटीग्रेशन और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला, लिमिट्स वाला, उसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो सादा वाला इंटीग्रेशन अलग है। dx/√x² - cx + 13। सबसे पहले ये देख लेना है क्वेश्चन, ये लिमिट हटा देना और ये देखना सिर्फ ये कौन से फार्मूले में बैठता है। थर्ड टर्म निकालने वाला ½ × coefficient of x² और ये ऐसे वाला फार्मूला, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देता हूँ। ऐसे दिखा तो ax² + bx + c ये वाला फार्मूले में बैठता है ये वाला। इसको निकालने के लिए पता है थर्ड टर्म निकाला हुआ था ½ × coefficient of x² वाला, और उसके बाद वो फार्मूला
ब्लॉक वाला वो लगाना पड़ता है, तो बता देता हूँ कैसे क्या करना है, सॉल्व करके तभी समझेगा। सो लेट, पहले लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ये डी एक्स तो पहले से है, नाउ थर्ड टर्म निकलना, पहले सबसे पहले थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स कौन है 6, हाफ इंटू कोएफिशिएंट एक्स कौन है 6, तो स्क्वायर 2 3, इसका आएगा 9, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अभी क्या करना है, 9 पुटअप करना यहाँ पे 6 के आगे और 13 के पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो ये 9 पुटअप करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 13 माइनस 9, ये देखो यहाँ पे प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 9 एडजस्ट किया, सो एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 2 स्क्वायर मतलब 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 माइनस 9 13 माइनस 9 4, सो ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट, ये वाला लिमिट 1 3 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई यूजिंग, अभी वो फार्मूला बता देता हूँ मैं, बाई यूजिंग डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर पहले हो है और फिर ए स्क्वायर, सो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये फिर लिमिट बी डिवाइडेड बाई ए। अभी ये पुटअप करना है, इज इक्वल टू लॉग एक्स कौन है एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 प्लस अंडर रूट एक्स कौन है एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस लॉग कौन है एक्स, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ये हुआ। इसके बाद ये लिमिट लगा देते, लिमिट कौन है 3 और 1, अभी लिमिट लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, लॉग एक्स 3 कौन है ये पहले ये पुटअप करना, 3 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर है अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर, ये कौन है 1 स्क्वायर माइनस लॉग 3 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस आएगा सही, प्लस 3 ये 0, लॉग 3 माइनस 3 ये 0, फिर लॉग 2 इसका आंसर लॉग 2, ये सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग 2 माइनस लॉग माइनस 2 अंडर रूट ए 3 माइनस 1 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस लॉग माइनस 2 अंडर रूट का स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है तो इसका 2, सो लॉग 2 माइनस लॉग 2 प्लस अंडर रूट 8, यू कैन राइट लाइक दिस। फाइनल आंसर यहाँ पे आता है आई इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस लॉग माइनस 2 प्लस अंडर रूट 8, सिंपल है, सिर्फ ए सॉल्व करने से पहले डिवाइड इंटीग्रेशन, ये लिमिट क्या बोलते हो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुटअप करने से पहले क्वेश्चन देख लेना, सिंपल इंटीग्रेशन रहता है, बाद में उसको लिमिट्स लगाना पड़ता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म वाला, ये था डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स, इसमें था। आगे लेंगे प्रॉब्लम्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आगे लेंगे, तो फिलहाल के लिए स्टूडेंट इतना ही, शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ जो अप्लाई मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है, डिप्लोमा वाले आइसक्रीम वाले, उनके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।